मंच पर विराजमान आदरणीय ओम शंकर त्रिपाठी जी, आदरणीय वीरेंद्रजीत सिंह जी, आशीष जोग जी, डॉक्टर प्रवीण सारस्वत जी, मोहन कृष्ण मिश्रा जी और भाई शुभेंदु शेखर अवस्थी, संचालक वीरेंद्र त्रिपाठी जी, सभागार में उपस्थित पूर्व महापौर श्री जगतवीर सिंह द्रोण, रवीन पाटनी जी, अरुण पाठक जी, राम कुमार लोहिया जी, भाजपा के अध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी जी, अनीता गुप्ता जी, मनोज अवस्थी और प्रवीण कटिया। देखिए, आज का जो ये विषय है, ये युग भारती संस्था के द्वारा यह विषय रखा गया है, दीनदयाल जी का अंत्योदय आज के परिप्रेक्ष्य। तो मैं अभी आशीष जोग जी ने बड़ा ही उपयुक्त और सारगर्भित विषय का परिप्रेक्ष्य रखा, मैं इसे सबसे पहले युग भारती, उसके बाद परिप्रेक्ष्य, उसके बाद अंत्योदय के ऊपर कुछ बिंदु रखना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो संस्था का नाम ही इतना उपयुक्त है, युग भारती। एक तो तय मान लीजिए कि मां भारती का युग तो आ गया। बीसवीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई थी तो भारत परतंत्र था। बीसवीं शताब्दी के मध्य में हमें स्वतंत्रता मिली और 21वीं शताब्दी के शुरुआत में हम उस महानता की तरफ बढ़ना शुरू हुए। अब वह युग कैसे आएगा? जैसा कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि वह युग आने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मगर इसमें एक नियति का संकेत भी समझिए। 21वीं शताब्दी की पहली किरण जिस समय धरती पर फूटी थी, 1 जनवरी सन 2001, किसकी सरकार थी केंद्र में और किसकी सरकार थी प्रदेश में, यानी यह नियति का संकेत था कि भारतीय जनता पार्टी, यद्यपि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु किसके द्वारा वह नियति वहां तक पहुंचाने के लिए तय किए हुई है, वो संकेत उसी समय दिख गया था। और आज जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। अब मैं आता हूं परिप्रेक्ष्य में। देखिए, जब परिप्रेक्ष्य की बात आती है, यानी कॉन्टेक्स्ट, तो वो इमीडिएट से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल वर्तमान से। हम कानपुर में खड़े हैं, स्वतंत्रता की 70 वर्ष पूर्व होने का अभी अभी हमने वह पर्व मनाया है, और वो हमें याद दिलाता है कि यह स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। इसी कानपुर क्षेत्र से, बिठूर से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ था और उसी ने आगे बढ़ते हुए इस देश को वहां तक पहुंचाया। और देखिए, वैसे भी एक और बात समझिए, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है, 1857 का भी सारा का सारा संग्राम अवध पर कब्जे के लिए हुआ, और उसके बाद अभी अभी जो मैंने हाल में भी कहा, तो आप देखिए, फिर श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के होने के बावजूद उत्तर प्रदेश से आए, तब मां भारती की सेवा करने के लिए वहां तक उनको पहुंचने का अवसर। परंतु दुर्भाग्य, परिप्रेक्ष्य की जो मैं बात कर रहा हूं, उस स्वतंत्रता संग्राम को क्या लिखा गया? सिपाही म्यूटिनी, सिपाहियों का विद्रोह। यह परिप्रेक्ष्य बदलना है। यह गुलामी की मानसिकता को स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध षड्यंत्र पूर्वक जो परिप्रेक्ष्य हमारे मस्तिष्कों में बैठाए गए हैं, उसको अब 21वीं शताब्दी में बदलना है। मैकाले के माइंडसेट से भी बाहर आना और मार्क्स के माइंडसेट से भी बाहर आना, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया कि 1857 तो सिपाही विद्रोह था और चंद्रशेखर आजाद
राम प्रसाद बिस्मिल, अश्वाकुंडा खां, शचिंद्रनाथ सान्याल, सूर्य सेन, बाघा जतीन, भगत सिंह, ये सब आतंकवादी थे। महाराणा प्रताप वो द फैनेटिक पैट्रियॉट, सनकी देशभक्त थे। छत्रपति शिवाजी लूटेड सूरत, गुरु तेग बहादुर क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये परिप्रेक्ष्य बदलना है। इसी ने हमारी सोच विचार को एक विशिष्ट प्रकार की श्रेणी में बना के रखा था, तो स्वतंत्रता को मिली, पर स्वतंत्रता के मनोभाव से मुक्ति नहीं मिली। अब 21वीं शताब्दी में उस मनोभाव से मुक्ति पाई। और जब हम मनोभाव से मुक्ति की बात कहेंगे तो विचार आएंगे कैसे। अब मैं अंत्योदय के विषय पे आता हूं। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही देश के नव निर्वाचित राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, जो संयोग से इसी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने जब अपना प्रथम भाषण दिया तो उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोनों का एक साथ संदर्भ लिया, जिस पर कुछ लोगों को आपत्ति थी। अभी जोगी ने उसमें कुछ सूक्ष्म साम्य बताए हैं, मगर मैं उन लोगों को जिनको आपत्ति थी उन्हें उत्तर देना चाहता हूं कि अंत्योदय का विषय कहां पे आता। एक, अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय। दो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति अत्याचार या उसको दबा न सके। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय की एक घटना है कि उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। हिटलर ने होलोकॉस्ट के जरिए लाखों यहूदियों को मरवाया था। तो मानवाधिकार का विषय बड़ा महत्वपूर्ण बन के उभर के सामने आया था। ह्यूमन राइट कमीशन बनने की बात आई, यूनाइटेड नेशंस में विषय आया कि भाई कौन से ऐसे मूलभूत मानवाधिकार होने चाहिए जिसके द्वारा हर व्यक्ति के मानवाधिकार सुरक्षित किए जा सके। मतलब मेरा अधिकार जीने का है तो वो दूसरे के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े उस समय प्रतिष्ठित गणमान्य लोग थे, सबको पत्र लिखा गया। तो महात्मा गांधी को भी पत्र लिखा गया कि आपके हिसाब से वो कौन से न्यूनतम 2, 4, 5, 10 अधिकार हैं जो हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, जिनके द्वारा सभी के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी का जवाब सबसे अलग था। उन्होंने शब्द लिखा था, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। इस शब्द पे गौर करिएगा, मेरी अशिक्षित परंतु विवेकशील मां ने मुझे ये बताया था कि इफ यू वॉन्ट टू एंश्योर एवरीबडी इज ह्यूमन राइट, इन माई ओपिनियन देर आर नो फंडामेंटल ह्यूमन राइट, देर आर ओनली फंडामेंटल ड्यूटीज। परंतु आपने सोचा कि महात्मा गांधी जी ने जो कहा कि मेरी अशिक्षित परंतु विवेकशील मां ने मुझे यह शिक्षा दी है, वो शिक्षा कहां से मिली? इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात, शिक्षा और विवेक दो अलग अलग चीज है। बुद्धि और विवेक दो अलग अलग चीज है। बुद्धिमान तो आतंकवादी भी होता है। एक से एक पढ़े लिखे लड़के आपने देखा, इंजीनियरिंग की डिग्री में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, इतनी हाई डिग्री और इंटेलिजेंस रखने वाले जाके आतंकवाद कर रहे हैं। विवेक नहीं है। तो वो आया कहां से? अब अगर आप देखें, और उन्होंने कहां से ये बात कही कि केवल केवल कर्तव्य होना चाहिए, और दीनदयाल जी ने क्या कहा, अंतिम व्यक्ति पर खड़े सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति का जब तक उदय नहीं होगा राज्य की सार्थकता नहीं हो सकती। इन दोनों का प्रेरणा स्रोत एक था। आप सब ने रामायण की कथा सुनी होगी। पूरी रामायण की कथा तमाम जगह पे कर्तव्यों का उल्लेख है। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य। केवल एक जगह अधिकार की बात आई है, तब जब कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि वो जो आपने मुझे 3 वर दिए थे, अब मुझे उनका प्रयोग करने, उस अधिकार का प्रयोग करना है। और सारी समस्या, वितंडावाद, कष्ट वहीं से शुरू हुआ। ये वो मूल प्रेरणा स्रोत था
जो गांधी जी की मां से उनको मिला था कि सबके फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करने हैं तो सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज ही हो सकती है। ये राम कथा से प्रेरणा मिलती थी। अब आप आइए अंत्योदय की प्रेरणा कैसे मिलती थी? भाई हमारे यहां माना जाता है भगवान राम उत्पन्न हुए, उनका जीवन एक उद्देश्य के लिए हुआ था कि रावण को मारना था ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। यदि इतने मात्र से धर्म की स्थापना हो जानी थी तो भगवान राम तो अयोध्या के राजा के रूप में पैदा हुए, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, धर्म की स्थापना हो जाती क्या? राम ने तो वो लीला नहीं की। रामलीला में क्या हुआ कि पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर कहां गए? निषाद राज, भील, शबरी, किसके प्रति? समाज के निम्नतम सीढ़ी पर खड़े हुए लोगों के साथ जाके बैठे, उनको संगठित किया, उनको सशक्त किया। फिर और नीचे जो वनवासी क्षेत्रों में गए, बानर, रीच, भालू, सबको संगठित करके, और तब उस समय की जो सबसे बड़ी शक्ति थी रावण, उसको पराजित किया, तब धर्म की स्थापना होती। और राम के सबसे प्रिय भी कौन थे? हनुमान, वो भी वानर के प्रति। और एक और उदाहरण राम कथा में, एक उदाहरण आता है जिसको कि कई लोगों ने, मैंने कहा ना, बार बार गुलामी की मानसिकता के नाते हमने एक पक्ष से उसका प्रस्तुतिकरण किया। भगवान राम के द्वारा धोबी के कहने पर माता सीता का परित्याग। धोबी किसका प्रतीक? समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति। राजा किसका प्रतीक है? समाज की सर्वोच्च सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति। पत्नी किस चीज का प्रतीक है? जीवन में सर्वाधिक प्रिय। तो राज धर्म की निर्वाह के लिए प्रेम के परित्याग करने का उदाहरण किसके लिए? समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति की भावनात्मक संतुष्टि के लिए यह राम ने किया। अन्यथा प्रेम के लिए राज धर्म का परित्याग तो हेनरी द 8th ने भी किया, लुई द 16th ने भी किया, चार्ल्स ने भी किया, और सलीम अनारकली ने भी किया। बहुत उदाहरण मिलेंगे, पर यह सिर्फ और सिर्फ भगवान राम ने किया। क्यों? ये राम राज्य की बात हमारे यहां काहे आती भाई? इसलिए आती है कि आज हम कहते हैं ना बहुमत का शासन। बहुमत का अर्थ हुआ कि मेजॉरिटी अगर आपके साथ है तो ठीक है, यानी टेक्निकली 51% आपके साथ है तो 49% नहीं भी है तो चलेगा, और अगर 60-70% है तो क्या कहने, 80-90% है तो बाकियों को तो आप कुछ भी कर सकते हैं। परंतु राम राज्य नहीं कहता, वो बहुमत विधान नहीं कहता था, वो कहता था समष्टि विधान। मींस ईच ऑफ एवरीबॉडी शुड बी सेटिस्फाइड टू द कोर ऑफ इट्स फीलिंग एंड द कोर ऑफ इट्स हार्ट। तो ये धोबी वाली घटना उसका प्रतीक, तो ये इस बात का प्रतीक है कि समाज के निम्नतम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति की भावना से लेकर समाज के निम्नतम सीढ़ी पर खड़े हुए लोगों को संगठित करके, उन्हें स्थापित करके ही आप ले जाकर वास्तविक अर्थों में राज्य की सार्थकता कर सकते हैं। परंतु ये बात सिर्फ धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, कुछ एक ऐसे फैक्ट्स आगे इतिहास के भी हैं जो हम सबने पढ़े हैं पर परिप्रेक्ष्य हमें नहीं ध्यान। अगर मैं आपसे पूछूं नॉट ओनली द इंडियन हिस्ट्री बट द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री, Who was the first common man or a person from lower caste to become the king? कौन था ऐसा व्यक्ति जो रॉयल फैमिलीज के बाहर, जो राज परिवार में नहीं पैदा हुआ और राजा बना, समाज के उच्च वर्ग में नहीं पैदा हुआ और राजा बना, विश्व के इतिहास में कौन था? विश्व के इतिहास में वो पहला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य, 2500 साल। कहीं की भी हिस्ट्री उठा के चाइना से मेसोपोटामिया, मैसिडोनिया से लेके ग्रीस और वहां से लेके इंका माया एस्टक तक, 2500 साल पहले राजा जो भी बना वो रॉयल फैमिली में से ही था। सिर्फ हमने ये दिखाया कि समाज के निम्नतम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी खड़े होकर राजा बन सकता है। और जिसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत की जो पहली बार बातें आती हैं वो हमारे यहां उस जमाने से आई जब वेदों के काल में सभा, समधि, विदत और गण थे जिसमें बैठ के निर्णय होते थे, या कर्नाटक में अनुभव मंडपम थे। ये 10वीं शताब्दी की बात है कि 100 लोग बैठ के निर्णय लेते थे तब सारी बातों का निर्णय होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां
जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी, अब मैं दूसरी बात कहता हूं, एक विचार और हमारे पास रखा है कि समाज के निम्न वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मैं मानता हूं अन्याय हुआ, पिछले कुछ शताब्दियों में अन्याय हुआ, परंतु वह पराधीनता के कारण। भारत के मूल चरित्र में अंतिम व्यक्ति के साथ कभी अन्याय की अवधारणा नहीं थी। और जो लोग ये कहना चाहते हैं, मैं उनसे पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो लोग आज भी यदि दलित राजनीति की भी बात करते हैं, तो मैं उनसे पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों के रचयिता कौन? एक के महर्षि वाल्मीकि और एक के महर्षि वेदव्यास, आज की परिभाषा के अनुसार दलित। संस्कृत भाषा का प्रवर्तक कौन? लौकिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति दो हैं। लौकिक संस्कृति का पहला ग्रंथ कौन? रामायण। आदि कवि कौन? वाल्मीकि। और उसके बाद यदि भारतीय समाज ऐसा था तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में आ जाएंगे, तो केरल में संत थिरुवल्लुवर हो, या महाराष्ट्र में नामदेव, या उत्तर प्रदेश में रैदास और कबीर, या पंजाब में दादू, ये निचली जातियों में पैदा होकर समाज के पूज्य संत कैसे बने? महाराजा बिजली पासी और उदा देवी पासी जैसे लोग शासक कैसे बने? कॉन्ट्रडिक्शन है ये, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है। भारत की परंपरा किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर अन्याय नहीं करती थी, अंतिम व्यक्ति के उद्भव का पूरा समर्थन करती थी, परंतु गुलामी के कालखंड में कुछ ऐसी चीजें हुई और उन्हें धीरे धीरे पूरी चीज के ऊपर अध्यारोपित कर दिया। पर जब हम परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, दीनदयाल जी की ने जिन विषयों को प्रतिपादित किया, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? मूल्य। किन जीवन मूल्यों पर समाज चले? और जब मूल्य की बात आती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार फिर आप रामकथा में जाइए और राम और रावण में कंपैरिजन कर लीजिए। बाई एनी पैरामीटर ऑफ टुडे, रावण वॉज फार सुपीरियर देन राम। भाई सबसे पहले आप फाइनेंशियल एंगल पे आइए, तो उसके पास सोने की लंका, उनके पास घास फूस की झोपड़ी। पावर की बात आइए, तो उसने इंद्र कुबेर सबको बंदी बना रखा है, ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है, इनके पास अपना रथ तक नहीं। फिजिकल पावर की बात आइए, तो 10 आदमियों के बराबर की पावर। आयु की बात आइए, तो उनके बाप दादा के जमाने से राज कर रहा है। विद्वता की बात आइए, तो प्रकांड विद्वान, उनसे कहीं बड़ा विद्वान। तो भाई आप तुलना और करते जाइए, यदि ये रघु के वंश में उत्पन्न, वह पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न, और यदि आप उसके बाद भी आइए कि भगवान का पुजारी कौन बड़ा था? भाई भगवान का भक्त कौन बड़ा, राम या रावण? रावण कहता मुझसा पंडित मुझसा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भाई कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें राम बड़े हो गए और वो एक चीज इतनी प्रभावी हो गई कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। चरित्र में राम बड़े थे, इसीलिए तुलसी ने लिखा रामचरितमानस, राम के चरित्र को मन में धारण करें। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया कि भारत में लोग शिक्षा लेने किस चीज की आते थे? ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की शिक्षा तो तमाम दुनिया के देशों में मिल जाती है, चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। जो कहा गया ना, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरं पृथ्वीव्याम सर्वमानव। पर आजकल क्या हो गया भाई? आजकल तो भाई वो गाना चलता है, क्या करूं मैं साला करेक्टर ढीला है, यानी बिल्कुल उल्टी शिक्षा। हमें हजारों सालों से पढ़ाया गया संतोषम परमम सुखम, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और आज की युवा पीढ़ी क्या पढ़ाया जा रहा है? ये दिल मांगे मोर। तो आप ये समझिए कि हम मूल्यों के आधार पर कैसे षड्यंत्र में फंसते चले जा रहे हैं। और जब आप मोर की तरफ बढ़ते हैं और अधिक की तरफ बढ़ते हैं, तो अंततः आप क्या करते हैं? प्रकृति का वह दोहन, समाज में दूसरे का शोषण, और वहीं से आप समाज के एक वर्ग को प्रताड़ित करते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, और तब जाके समाज में विभेद आता है और प्रकृति का दोहन। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है
कि ये जो हमारा एक विचार था, जो भारतीय संस्कृति का विचार था, जो कि दीनदयाल जी हो या गांधी जी हो, दोनों के विचार उन्हीं से प्रेरित थे। दीनदयाल जी ने उसको युवानुकूल स्वरूप में बात करने की बात कही। जैसे अभी आशीष जी ने कहा कि सरकार ने कई काम किए, मैं उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, यदि ये पूछा जाए कि समाज के वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन, अगर आप क्रिश्चियन मिशनरीज की कंबाइंड स्ट्रेंथ को भी जोड़ लें तो उसके बाद सबसे बड़ा संगठन कौन, वनवासी कल्याण आश्रम। ये जवाब उन लोगों का है, कौन चलाता है इसको, विच इज एन आरएसएस आउटफिट। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन, विद्या भारती, 30,000 स्कूल, किसी एक इंस्टीट्यूशन के 30,000 स्कूल किसने शुरू किया। दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन, सेवा भारती। वो मां बाप जो इंटीरियर ट्राइबल्स में रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन कौन, सब संघ से प्रेरित संगठन। अंत्योदय की इस परिकल्पना सिर्फ एक विचार नहीं है जो किताबों में लिखी हुई है, इसे जमीन के ऊपर उतार के दिखाया। और अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आई अभी 15 अगस्त गुजरा, 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला उद्बोधन दिया था लाल किले से, तो किन किन विषयों की चर्चा की थी, जो नए विषय उठाए, उन्होंने क्या कहा, स्वच्छता अभियान। ये स्वच्छता अभियान किसके लिए था, अमीर के लिए, गरीब के लिए, ये गरीब व्यक्ति के लिए। उन्होंने कहा जनधन योजना, ये किसके लिए थी, गरीब के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाने और पढ़ाने में समस्या किसको थी, गरीब के लिए। ये सारे विषय समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्तियों के उत्थान के लिए केंद्रित थे। तो मैं कहना चाहूंगा हमारा विचार प्रवाह जो संस्कृति का प्रवाह हो, हमारे साथ जुड़े सहयोगी संगठनों का प्रवाह हो, या सरकार की नीतियां हो, सबके सब उसी से प्रेरित हैं। और एक मैं उदाहरण और दूंगा, मुद्रा योजना, योजनाओं में नहीं जाऊंगा, स्टार्टअप योजना शुरू की सरकार, तो क्या कहा कि भाई नौकरी पाना तो एक चीज है, हम ये चाहते हैं कि लोग एंटरप्रेन्योर बने, छोटे मोटे व्यवसाय खुद शुरू करें, 10,000 से लेकर 10,00,000 तक के लोन। तो बैंकों से कहा गया जो बगैर गारंटी के मिले, वरना क्या होता है, जैसे कोई खोमचे वाला है, उसको सिर्फ 1,00,000 रुपए अगर मिल जाए तो वो अपना सारा सेटअप खुद बना सकता है, और उसके पास अपने 1,00,000 होते होते 10 साल निकल जाते हैं, क्योंकि 1,00,000 की काउंटर गारंटी देने का उसके पास कुछ भी नहीं। तो जब ये निर्देश सरकार ने दिया तो क्या कहा कि हर बैंक की हर शाखा को कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति और एक महिला को वह एंटरप्रेन्योर जरूर बनाना होगा। यह होता रियल इंपावर, प्रचार प्रसार नहीं कि हमने ये किया, बड़े बड़े बुत बना दिए, सब कर दिए, मगर विचारों के साथ हकीकत में क्या हुआ। तो समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को हर प्रकार से सशक्त करने का प्रयास, चाहे भावनात्मक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से हो, यह दीनदयाल जी की परिकल्पना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने सरकार के स्तर पर भी पूरी तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया। मैं एक विषय और कहना चाहूंगा, देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल जी के वांग्मय को पढ़ते हैं, तो दीनदयाल जी ने जैसे कहा कि एक समग्र दर्शन दिया, उस समग्र दर्शन में और आज के युग में क्या सामने, आप कह सकते हैं साहब 1964 में दिया था, आज उसकी क्या रेलेवेंस। मैं आपको से पूछता हूं कि आज दुनिया में ऐसी एक प्रॉब्लम बताइए जिससे दुनिया का हर देश प्रभावित है। कोई भी देश कह नहीं सकता साहब ये प्रॉब्लम उस कंट्री में है, मेरे में नहीं। तो वो प्रॉब्लम है जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंटल इंबैलेंस। दूसरी समस्या जिससे दुनिया के लगभग 2/3 से अधिक देश प्रभावित है वो है आतंकवाद। तीसरी समस्या जिससे लगभग पूरी दुनिया सशंकित है कि कभी भी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए वो क्या है, आणविक युद्ध। तो तीन समस्याएं हुई, पर्यावरण असंतुलन, आणविक युद्ध और आतंकवाद, जो लगभग पूरी दुनिया को प्रभावित किए हुए। इन तीनों का मूल स्रोत क्या है, ये मूल स्रोत एक विचार में है, और इसका
दीनदयाल जी के दर्शन से क्या संबंध है वो आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी सभ्यता संस्कृति कितना बड़ा दावा कर ले कि हम तो वैज्ञानिक हैं और हम तो किसी भी प्रकार से कोई कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज से प्रभावित नहीं, ऐसा नहीं है। हर संस्कृति के जो मूल विचार हैं वही उसके विज्ञान की गति को प्रभावित करते हैं। जैसे आप लोगों को याद हो, जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा, हम लोगों को तो जन्म से बहुत पहले की बात है, यूरी गैगरिन स्पेस में गए पहली बार। जब मनुष्य स्पेस में गया तो क्या लिखा गया किताबों में, मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, स्पेस इज एन एनिमी नीडेड टू बी कॉन्कर्ड, वो दुश्मन है जिसको जीतना था। हम लोगों से बचपन में कहा जाता था स्कूल में कि निबंध लिखिए, क्या मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। ये प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का भाव कहां से आया, ये आया बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है कि मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर। फिर अरिस्टोटल ने किताब लिखी द नेचर, जिसमें लिखा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, सब कुछ मनुष्य के लिए है। फिर रेने डिकार्ट ने और फ्रांसिस बेकन ने लिखा कि जो कुछ इस प्रकृति में है यदि मनुष्य उसका उपयोग नहीं करता तो वो सब कुछ बेकार है। यहां से वो विचार पनपा, यानी प्रकृति को अपने से अलग माना, एक पृथक्तावादी आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण, सेल्फ सेंटर्ड कंपार्टमेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर, और वो बढ़ते बढ़ते प्रकृति का दोहन और पर्यावरण संतुलन। फिर वो सेल्फ सेंटर्ड कंपार्टमेंटल एटीट्यूड वहीं पर नहीं रुका, वो देश के अंदर आ गया। एक देश ने कहा मुझे दूसरे पे विजय प्राप्त कर, किसी ने कहा रूल ब्रिटानिया, किसी ने कहा जर्मनी का रूल होगा। आज भी यही है, एक तरफ अमेरिका है जो कहता है डिस्कोथेक और पब में झूमते हुए बर्गर पिज्जा बर्गर खाते हुए युवा, ये हमारा सांस्कृतिक साम्राज्य जापान से लेकर कैलिफोर्निया तक होगा, तो दूसरी तरफ आईएसआईएस जो कहता है इस्लामिक खलीफती होगी पूरी दुनिया। सब संघर्ष करने लगे और फिर इस सीमा तक कि मुझे दूसरे पे कब्जा करना है, न हो सके तो मिटा के कब्जा करना है, और अगर न हो सके तो मिटाने की क्षमता रखनी है। इसने आणविक शक्ति और आणविक युद्ध के कगार पे लाके खड़ा है। अब देखिए, वो सेल्फ सेंटर्ड कंपार्टमेंटल एटीट्यूड दुनिया तक भी रुक जाता तो कोई बात नहीं थी, वो देश के अंदर आ गया, समाजों के अंदर। एक समाज दूसरे के खिलाफ खड़ा, मुझे हिस्सा चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, तुम्हें मार के चाहिए, नहीं तो तुम्हें मार ही दूंगा, वहां से आतंकवाद है। यानी ये तोड़ती हुई व्यवस्था, और सिर्फ इतना ही नहीं टूटा, फिर अब उसके डिटेल पे नहीं जाऊंगा। समाज के अंदर परिवार टूट गए, संयुक्त फैमिली टूटी, फिर वो सेल्फ सेंटर कंपार्टमेंटल एटीट्यूड ने न्यूक्लियस फैमिली बनाई, फिर न्यूक्लियस फैमिली भी टूट गई, बच्चे कहीं, माँ बाप कहीं, और उसके बाद वह व्यक्ति जब अकेला खड़ा हो गया, परिवार टूट गया, वो टूटने की क्षमता यहां तक भी नहीं रुकी, वो अंदर से टूट गया। मैन हैज बिकम सब्जेक्टिव स्प्लिट पर्सनालिटी एंड सिज़ोफ्रेनिया। अब इसका जवाब क्या था? जवाब है एकात्म मानववाद। हम नहीं मानते कि प्रकृति से विश्व का, विश्व से राष्ट्र का, राष्ट्र से समाज का, समाज से परिवार और व्यक्ति के संबंध में कहीं कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन है, वो एक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम कहते हैं प्रकृति माता है। हमारे विचार शुरू होते हैं कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, जो वेदों में लिखा है। उसके बाद हम अपने देश को क्या कहते हैं, भारत माता है। तो जब हम प्रकृति को माता मानते हैं तो माता से पोषण दिया जाता है, शोषण नहीं किया जाता, इसलिए कभी हमारे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर हुआ ही नहीं। इसीलिए इस राष्ट्र को हम एक जीवंत सत्ता मानते हैं, लिविंग आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस मानते, हम उसको एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं मानते, इसलिए हम समाज को अपना मानते। जो अभी जोगी ने बोला कि हमारे यहां वो थ्योरी नहीं चलती है जो कमाएगा वो खाएगा, हमारे यहां आया है सो खाएगा और जो कमाएगा वो खिलाएगा, और यही थ्योरी परिवार के अंदर चलती है। भारत में आपको पता है, आप कहेंगे इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कहीं कोई रिलेवेंस है, दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार 20वीं शताब्दी में भारत में थे, फिर भी यहां क्रांतियां क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर बेरोजगार भी था, मैं नहीं कमा रहा हूं, मेरा पिता तो कमा रहा है, मेरा भाई तो कमा रहा है, तो जीवन की मूलभूत आवश्यकता तो वो पूरी कर रहा है। यह परिवार के की जो एकीकृत भाव था, समाज का एकीकृत भाव था, उसने उस चीज को बचा के रखा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तरफ है वह विचार जो कि समाज को तोड़ता चला गया, प्रकृति से लेकर नीचे तक, व्यक्तित्व तक, और एक तरफ है जिसने कि पूरे व्यक्तित्व से लेकर राष्ट्र तक सबको एकीकार किया। इन दोनों विचारों का जो अंतर है वही तय करेगा कि आगे जाकर
दुनिया किस दिशा में जाएगी। इसे एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। आप लोगों ने एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं टॉम फ्रीडमैन, जिन्होंने किताब लिखी थी वर्ल्ड इज फ्लैट। उन्होंने आज से 10-12 साल पहले लंदन के गार्डियन अखबार में एक आर्टिकल लिखा, कंपैरिजन बिटवीन इंफोसिस एंड अलकायदा। अब आप कहेंगे ये इंफोसिस और अलकायदा में क्या कंपैरिजन हो सकता है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा था। उन्होंने कहा कि दोनों में एक साम्य है, ये दोनों संगठन एक साथ पैदा हुए, धीरे धीरे बढ़ते हुए विश्वव्यापी हो गए, दोनों में युवा लोग थे, दोनों के युवा बड़े टैलेंटेड थे, दोनों के युवा बड़े कमिटेड थे, फिर अंतर क्या था? अंतर केवल मोटिवेशन का था, यानी जिसको मैंने वैल्यूज कही, एक डिस्ट्रक्टिव हो गया एक कंस्ट्रक्टिव हो गया। और इसीलिए आप देखिए भारत को देखिए, तो इंफोसिस भारत में हेडक्वार्टर और अलकायदा का सरगना पाकिस्तान में पकड़ा गया। हम 70 साल एक साथ आजाद हुए, इंटेलिजेंट कितना भी कोई हो, पैसे वाला कितना भी हो, ओसामा बिन लादेन भी अरबपति खरबपति था, मगर अंतर यह हुआ कि 70 साल के बाद अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट करने के लिए, और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट करने के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कौन सी वैल्यूज आपको इंस्पायर कर रही है और वो वैल्यूज अंततः कहां पे ले जाती है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि पुनः जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे अंत में आना चाहूंगा। भारत की जो वैल्यूज है वो दुनिया की बाकी वैल्यूज से किस मामले में डिफरेंट है। भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जिसने आज तक किसी दूसरे पे इन्वेजन नहीं किया। इट इज द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। दूसरी खासियत, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां आज तक क्रांति नहीं हुई। आपने चाइनीज रिवोल्यूशन पढ़ी होगी, ब्रिटिश रिवोल्यूशन पढ़ी होगी, फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ी होगी, रशियन रिवोल्यूशन पढ़ी होगी, अमेरिकन रिवोल्यूशन पढ़ी होगी, इंडियन रिवोल्यूशन नहीं पढ़ी। और भारतीय संस्कृति का मूल आधार या जो मूल भारतीय संस्कृति है, यदि उसे लोग आज रिलीजन मानते हैं, मैं हिंदू संस्कृति की बात कर रहा हूं, इफ एट ऑल यू कंसीडर इट एज अ रिलीजन, इट इज द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड विच नेवर बिलीव्स इन कन्वर्जन। जो कहता ही नहीं है कि कन्वर्ट हो जाओ, कहता है जो भगवान ने किया वही ठीक है। गीता भगवान कृष्ण ने कह दिया स्वधर्मे ने जन्म से हो पर धर्मो भयावह। ये भारत की एक पिक्यूलरिटी, हमने क्यों इन्वेजन नहीं किया? हमने इन्वेजन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखते। हमारे यहां क्रांति क्यों नहीं हुई? हमारे यहां क्रांति इसलिए नहीं हुई क्योंकि अब मैं पुनः पिछले विषय पे आता हूं। मैंने भगवान राम का उल्लेख किया था। भारतीय संस्कृति में दो सबसे बड़े राजा का नाम दिया जाता तो कौन? राजा राम और राजा हरिश्चंद्र। ये दोनों किस लिए महान? इसलिए नहीं कि बड़ा इलाका जीता, इसलिए कि बड़ा त्याग किया। वहां पर बड़ा इलाका जीत के महान होता चंगेज खान द ग्रेट कि कैस्पियन सी से चाइना सी तक साम्राज्य, अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनिया से लेकर पर्सिया तक। हमारे यहां ग्रेटनेस तब आई जब सब कुछ छोड़ दिया। तो हमारे यहां बाहर की तरफ सब कुछ अटेन करने की क्रांति नहीं है, हमारे यहां अंतर्मुख होकर जो हमारी अधोगामी प्रवृत्ति है उसको ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति करने के लिए संक्रांति होती है। मकर संक्रांति सुनी होगी ना, तो क्या होता है? सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। तो जितनी भी हमारी टेंडेंसीज है उनको डाउनवर्ड से अपवर्ड करो, वह संक्रांति होती है। तो हमारे यहां जो मूल प्रेरणा है वो अपने पर विजय प्राप्त करने की है, विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमने दुनिया में इन्वेजन नहीं किया, इसलिए हमारे यहां क्रांति नहीं हुई। इसलिए अंत में मैं कहूंगा हम 21वीं सदी में भारत को सुपर पावर नहीं बनाना चाहिए। सुपर पावर तो बहुत से देश बने पर वो क्या दुनिया को लीड कर पाए? हम भारत को सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, हम भारत को जगत गुरु बनाना चाहते। दोनों में अंतर क्या है? जब आप किसी पावरफुल आदमी के बगल में खड़े होते हैं तो आप थोड़ा सा संकोच में महसूस करते हैं, थोड़ा दबा हुआ महसूस करते हैं, कभी कभी ज्यादा पावरफुल आदमी हो थोड़ा भयभीत भी महसूस करते हैं। मगर जब आप गुरु के बगल में खड़ा होते हैं तो आप आनंदित,
उल्लासित और उठा हुआ महसूस करता है। तो हम विश्व को प्रेरणा देने में सक्षम, क्योंकि हम किसी को दबाना नहीं चाहते। इसीलिए भारत आज भी जिन चीजों को लेकर दुनिया में आगे बढ़ता है वो बाकी वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे विचार का श्रेय हमारी जिस विचारधारा, जिस मूल विचार को है, जिसे आजकल पॉलिटिकल कारणों से बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अटल जी की एक कविता थी जो आप सब वरिष्ठ लोगों को ध्यान होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी अंतिम दो पंक्तियां पूरे के पूरे भारत के दर्शन, जिससे कि दीनदयाल जी प्रेरित हुए, उसका सार है और भारत के पूरे चरित्र का भी सार है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर तब मैंने अत्याचार किया, तब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए कोई बतलाए, काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भू भाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। तो ये कहकर बात को समाप्त करना चाहूंगा कि आज जब हम ये कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो 21वीं सदी विश्व को यह दिशा देगी जो मैंने अभी आपसे कहा। मगर इसका आधार किसने बनाया? आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में शीर्ष पदों पर विद्यमान है, या हम लोग भी जो थोड़ा बहुत स्थान पाए हुए हैं, ये सब तो वो हो गए ना जिन्होंने कुछ स्थान पा लिया, ये कंगूरे की ईंट हो गए। मगर जो नींव की ईंट थे वो कौन थे? नींव की ईंट थे जैसे दीनदयाल जी, उषाबाऊ ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, नानाजी देशमुख, के आर मलकानी, केदारनाथ साहनी, जेपी माथुर, जगन्नाथ राव जोशी, या भाऊराव देवरस, रज्जू भैया, जिन्होंने कुछ लिया ही नहीं, सिर्फ जीवन समर्पित कर दिया, परंतु उन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ने में सफलता हासिल की। तो इसलिए यह कहते हुए दीनदयाल जी के प्रति इस पंक्ति के साथ श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने कुछ प्राप्त किया उनको तो फूलों के हार मिलते हैं, मगर जो इतिहास बदलते हैं उनके हिस्से में अंगारे आते हैं, मगर इतिहास वही बदलते हैं, वो तो बदले हुए इतिहास के ऊपर फूलों के हार मिलते। तो वो पंक्ति है कि अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश शिखर कर देते हैं इतिहास उधर्म हो जाता है। तो ऐसे ही दीनदयाल जी के प्रति नमन करते हुए मैं अंत में कहूंगा पुनः जो मैंने पहले वाक्य में कहा था, भारत का युग आ गया है। स्वामी विवेकानंद ने 1902 में अपनी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व जाकर यह कहा था अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के बाद कि मैंने देखा है कि भारत माता दिव्य आभा के साथ प्राचीन शक्ति से युक्त होकर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वह समय सिर्फ एक शताब्दी दूर है। वो समय आ गया, इसलिए अब वो कैसे सार्थक होगा ये जिम्मेदारी हम पे है। तो गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।